चलो जी गाड़ी को चलाना स्टार्ट करते हैं। ये गाड़ी को ऑन किया और गाड़ी स्टार्ट हुई। हाँ जी, हमने GoPro से, अरे क्या भागी हुई गाड़ी आ रही एकदम से, जूम और आगे स्कूटी। तो भैया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी mymotorgaadi@gmail.com पे हमें कॉन्टैक्ट करें या फिर इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें। हम आपसे कॉन्टैक्ट में आएंगे और एक सूटेबल टाइम निकाल के आपकी गाड़ी का एक्सपीरियंस पूरी दुनिया के साथ शेयर करेंगे। तो भैया चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अभी बात करते हैं गाड़ी के ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे गाड़ी के स्टीयरिंग के बारे में। सॉरी, हम सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी को चलाते टाइम ओवरऑल फील के बारे में। देखिए गाड़ी का जो केबिन है ना, वो काफी स्पेशियस लगता है, मतलब एयरनेस के मामले में काफी स्पेशियस लगता है। अगर आप हुंडई से कंपेयर करेंगे तो देखिए हुंडई की जो वरना गाड़ी है ना, वो हमने रिसेंटली वीडियो बनाया था, उसके साथ कंपेयर मत कीजिए क्योंकि वो 13 लाख की गाड़ी है, ये 8-9 लाख की गाड़ी है, तो वहां पर ये थोड़ी सी मात खा जाएगी। ट्रैक्टर भाई थोड़ी सी जगह देते अपने को, थोड़ी सी। स्टीयरिंग के बारे में बात करें तो स्टीयरिंग जो है वो लाइट कंडीशन में है, लेकिन जैसे हाईवे पे थोड़ा जाते हैं ना, बहुत ही हल्का माइन्यूट सा हल्का सा हैवी हो जाता है, थोड़ी सी पकड़ अच्छी बनती है। सस्पेंशन के बारे में बताएं तो सस्पेंशन जो है वो नेक्सोन से हल्के से सॉफ्ट है, लेकिन किसी भी हैचबैक गाड़ी या फिर सेडान गाड़ी से हार्ड है, यानी कि थोड़े से हार्ड साइड पे है, तो झटकों में आपको फील होगा। जी हाँ, फील होने वाला है कि झटके लगे, जैसे ये और झटका आने वाला। और ये देखिए आपको सुनाई दिया, आपको खटखट आवाज आई होगी, उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि पीछे वाली जो सीट्स हैं हमने सीट कवर लगवाने के लिए दी हुई है, और पेट्रोल इंजन है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ है, तो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स पे हमने भगा के देखा है 5000 RPM तक पहले गियर में बड़े आराम से जूम करके निकल जाती है। पहले गियर में तो बड़े आराम से 40 की स्पीड खींच देती है 5000 RPM पे। देखिए जब गाड़ी को हम चलाते हैं तो गाड़ी का वेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंजन परफॉर्मेंस के मामले में, तो इस इंजन को चलाने में ऐसा महसूस नहीं होता कि गाड़ी इंजन से ज्यादा भारी है, गाड़ी का इंजन बॉडी को पावर नहीं दे सकता, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता है। बल्कि मेरे को ऐसा लगता है कि नेक्सोन का जब मैं चलाता हूँ तो नेक्सोन का बॉडी वेट मुझे हल्का सा ज्यादा महसूस होता है इंजन के मामले में। अब एक चीज मेरे को देखने में लगी है कि गाड़ी के अंदर ब्रेक असिस्ट या फिर ब्रेक प्री फिल ऐसी ये टेक्नोलॉजी है नहीं, तो वहां पर ब्रेकिंग का जो मामला होता है, जैसे मान लीजिए इतना ट्रेवल टाइम है तो बाकी नेक्सोन में, बस जो नेक्सोन है उसके अंदर क्या होता है कि ब्रेक लगाते हैं, अगर स्पीड ज़्यादा है तो जो ब्रेकिंग ब्रेक पेडल का डिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो जाता है, हल्का सा प्रेस करने ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर वो टेक्नोलॉजी है नहीं, तो पूरा का पूरा जो पेडल है वो प्रेस करना पड़ता है और एंड में ही जाके ही इसके ब्रेक एंगेज होते हैं। तो अगर इस गाड़ी के अंदर भी ब्रेक असिस्ट दिया जाता या फिर ब्रेक प्री फिल दिया जाता तो इस गाड़ी का जो प्राइस है वो थोड़ा जस्टिफाई हो पाता। जो MID है वो आपको पता ही है, नेक्सोन के साथ शेयर करती है या फिर नेक्सोन इसके साथ शेयर करती है, वर्ड है वो आप लगा लीजिए। इसके अंदर भी क्रूज कंट्रोल का इंडिकेटर है, लेकिन इसके अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं है, साथ में जो DPF का इंडिकेटर होता है, DPF शूट का इंडिकेटर होता है, वो भी इसके अंदर मेरे को दिखाई दे रहा है। बट एक चीज देखने वाली बात है कि ना इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हैं ना ही ऑटोमेटिक वाइपर हैं, अगर ये दिए जाते तो और भी बेहतर प्राइस जस्टिफाई हो पाता इस गाड़ी के अंदर। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप एक गाड़ी को परचेस कर रहे हैं तो अगर आप थोड़े से हैवी वेटेड इंसान है, मतलब आपकी जो विड्थ है, बॉडी वेट है, बॉडी मास है थोड़ा ज़्यादा है, तो ये गाड़ी आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ी सी विड्थ में छोटी गाड़ी है, तो आपको उस टाइम पे नेक्सोन या फिर नेक्सोन के ऊपर जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अल्ट्रोस के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए और ना ही पंच के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि विड्थ के मामले में वो सारी गाड़ी छोटी है, थोड़ी सी नेक्सोन थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड है तो आपको ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कराती है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी थिन बिल्ड के इंसान हैं तो आपको ये गाड़ी अच्छे खासे सूट करने वाली है। ये वाला जो एरिया होता है जो हमेशा मेरे पैर में टकराता है वो यहाँ पर नहीं टकरा रहा है और काफ़ी कम्फर्टेबल राइड हो रही है। बट इसमें जो डेड पेडल दिया गया है वो एकदम अंदर घुसा के दिया गया और सेंट्रल पैनल के ऐसे कट में दिया गया है, तो वो मेरे को अजीब सा लगा कि मतलब इतना कट अंदर घुसाई क्यों दिया गया है। ये वाला जो एरिया है ये ट्रैवलिंग के टाइम पे बहुत ही अनप्रैक्टिकल, हाँ तो यहाँ पर कोई हैंड रेस्ट दिया गया जहाँ पर मैं रख लूँ, और ये वाला जो एरिया है अगर देखा जाए तो मेरे को अगर पावर विंडो यूज करना है मेरे को हाफ काफ़ी पीछे लेके आना पड़ रहा है, तो जिसकी हाइट लंबी है उसके लिए तो सही होगा क्योंकि उसको सीट पीछे करके चलाना पड़ेगा, लेकिन मैं जैसे हाइट जिसमें 5-7 है तो वहाँ पर मेरे को सीट अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करके चला रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पर एडजस्टमेंट में बहुत दिक्कत हो रही है। इंजन के मामले में सही है, ड्राइविंग के मामले में सही है, बट जो एर्गोनॉमिक्स है गाड़ी के वो मेरे को इतने ज़्यादा पसंद नहीं आ पाए हैं। बट जैसे हैंड रेस्ट हो गया,
वो तो आप बाहर से भी लगवा सकते हैं। तो मैं कहूँगा अगर इसका टॉप वेरिएंट जो है वो इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है, लेकिन इसके जो थोड़े से लोअर वेरिएंट है, मिडिल वेरिएंट है, वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि बॉडी शेल इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टेबल है, ड्राइविंग काफ़ी अच्छी है, इंजन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ तो मज़ा आता है इसको। हाँ, ऑटोमेटिक के बारे में बात करूँ तो लैग है गाड़ी के अंदर, बट एक बात याद रखिए कि एक डेढ़ महीने के बाद आप इसको आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप बड़े आराम से गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। आपको पता होगा कि गाड़ी कब गियर चेंज करने वाली है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा अपने पेडल को कंप्रेस करेंगे। हाँ, ये एंथुजियास्ट के लिए नहीं है कि आप पेडल प्रेस किया और गाड़ी निकल गई, ऐसा नहीं होने वाला, तो थोड़ा सोच के देखिएगा, लेकिन आपको मज़ा आने वाला है अगर आप एक डेढ़ महीने तक इसको झेल लेते हैं तो, और इंजन परफॉर्मेंस आपको मज़ा आने वाला है। पीछे बैठने वालों के बारे में बात करूँ तो पीछे अगर लंबे लोग बैठेंगे तो उनको बड़ी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी छोटी बाकी किसी सिडान गाड़ी से, स्विफ्ट की बात नहीं कर रहा, सॉरी स्विफ्ट डिज़ायर की बात नहीं कर रहा मैं वरना सिविक इन सब के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अगर उनसे आप कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी पीछे है गाड़ी उनसे, क्योंकि वो 13-14 लाख के बजट के अंदर आती है और ये 8-9 लाख के अंदर आ रही है। तो लेंथ कम होने की वजह से वहाँ पर पीछे स्पेस क्रिएट करने के लिए जो सीट्स हैं पीछे वाली उनको थोड़ा छोटा किया गया है, जिससे लेग सपोर्ट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। छोटी हाइट वाले लोग बड़े आराम से कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन बड़ी हाइट जैसे मेरी जैसी हाइट के लोग नहीं कर पाएंगे इतना अच्छे से ट्रैवल। जो पतले लोग हैं वो अच्छे से ट्रैवल कर पाएंगे, लेकिन मेरे जैसे मोटे लोग मैं तो किसी गाड़ी में फिट नहीं आता। हैजल मेरे लिए सही गाड़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि तीनों की तीनों चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको कोई सवाल है इस गाड़ी से रिलेटेड तो हमें इंस्टाग्राम हैंडल माई मोटर गाड़ी पे कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या फील करते हैं, आपका क्या सवाल है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।